हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज, इन्फॉर्मेशन, आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। ये आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है, इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि ये कॉम्पिटिशन की तैयारी करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते, देख लेते क्या है आज का सेशन। यदि आप अपने चैनल आईटी गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइए। आज हम पढ़ेंगे 17 मई 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए हम आज का देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आज का? पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 3 मई को यह दिवस मनाया गया। प्रत्येक वर्ष 3 मई को विश्व स्तर पर विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और इसे विश्व प्रेस दिवस के रूप में भी जाना जाता है। और इस दिन उन पत्रकारों को श्रद्धांजलि दी जाती है जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। और इस वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का थीम है या विषय है डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता। क्या है? डिजिटल घेराबंदी के तहत इस वर्ष का थीम है डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता, जर्नलिज्म अंडर डिजिटल से है। और यह डिजिटल साइबर अपराध और सोशल मीडिया पत्रकारों और मीडिया अधिकारियों पर हमला के लिए केंद्रित है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2022 वैश्विक सम्मेलन यूनेस्को और रिपब्लिक ऑफ उरुग्वे 2 से 5 मई 2022 को पंटा डेल एस्ट उरुग्वे में एक हाइब्रिड फॉर्मेट में वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस विश्व सम्मेलन की मेज़बानी कर रहे हैं। और डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता विषय के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर डिजिटल युग के प्रभाव, पत्रकारों की सुरक्षा, सूचना तक पहुंच और गोपनीयता पर चर्चा की जानी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चारा बिजाई योजना किस राज्य में शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा राज्य में यह योजना प्रारंभ की गई। हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने चारा बिजाई योजना शुरू की है। यह योजना गौशालाओं को चारा देने और आपूर्ति करने वाले किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई। और इस योजना के पीछे तर्क राज्य के चारे की कमी और बढ़ते आवारा मवेशियों को कवर करना है। और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के तहत सब्सिडी सीधे किसान के खाते में जमा की जाएगी। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ और यहां पर राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फ्रैंक विल्जेक को यह पुरस्कार मिला है। यही है भौतिक विज्ञानी फ्रैंक विल्जेक जिनको यह पुरस्कार दिया गया है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी और प्रकृति के मूलभूत नियमों की व्याख्या करने वाले प्रसिद्ध लेखक फ्रैंक विल्जेक को इस साल का प्रतिष्ठित टेम्पल्टन पुरस्कार मिला है। और यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिनका कार्य विज्ञान और अध्यात्म का संगम होता है। टेम्पल्टन पुरस्कार प्रतिवर्ष टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी और यह किसी ऐसे जीवित व्यक्ति को दिया जाता है जिसने अध्यात्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। और इस पुरस्कार के तहत $15 मिलियन पहला टेम्पल्टन पुरस्कार वर्ष 1973 में मदर टेरेसा को प्रदान किया गया था। वर्ष 2012 में यह पुरस्कार तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को दिया गया था। और 20 मई 2021 को यूके की प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रकृति संरक्षणवादी और कार्यकर्त्री डॉक्टर जेन गुडाल को प्रतिष्ठित टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खुदरा मुद्रा स्फीति 8 वर्षों में सबसे अधिक अप्रैल में बढ़कर कितने प्रतिशत हुई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 7.79% हो गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत की खुदरा मुद्रा स्फीति अप्रैल में बढ़कर 7.79% हो गई है जो मुख्य रूप से ईंधन और खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों से प्रेरित है। और उपभोक्ता मूल्य आधारित मुद्रा स्फीति का आंकड़ा लगातार चौथे महीने भारतीय रिजर्व बैंक की ऊपरी सहनशीलता सीमा
से काफ़ी ऊपर रहा है और अप्रैल में CPI मुद्रास्फीति 8 वर्षों में अपनी उच्चतम गति से बढ़ी है और यह आखिरी बार मई 2014 में 8.33% सबसे उच्च दर्ज किया गया और अप्रैल में खुदरा मुद्रास्फीति मार्च में 6.95% से अधिक था और एक साल पहले 4.23% था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में REC लिमिटेड के नए CMD कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है RS ढिल्लो। RS ढिल्लो को REC लिमिटेड के नए CMD के रूप में नियुक्त किया है। विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करने वाली एक नवरत्न कंपनी REC लिमिटेड, पूर्व में जिसे ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है, इसने घोषणा की है कि 10 मई 2022 को कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में रविंदर सिंह ढिल्लो को नियुक्त किया गया है और यह अभी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के CMD के रूप में सेवारत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में सबसे टॉप पर कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी ने 130 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कथित आय के साथ फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट 2022 की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसके बाद बास्केटबॉल खिलाड़ी लेब्रन जेम्स 121.2 मिलियन अमरीकी डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो 115 मिलियन अमरीकी डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर हैं और मेसी अगस्त 2021 में बार्सिलोना से पेरिस सेंट जर्मेन चले गए थे और क्रिस्टियानो रोनाल्डो उसी महीने जुवेंट्स से मैनचेस्टर यूनाइटेड में शामिल हो गए थे और फोर्ब्स पुरस्कार राशि, वेतन और बोनस का प्रायोजन सौदों के आधार पर अनुमान की गणना करता है। और इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है नेमार 95 मिलियन अमरीकी डॉलर के साथ और पांचवें स्थान पर है स्टीफन करी जो 92.8 मिलियन डॉलर के साथ में पांचवें स्थान पर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संजीव बजाज जी को अभी नियुक्त किया है। बजाज फिनजर्व लिमिटेड के अध्यक्ष संजीव बजाज ने वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष पद उन्होंने ग्रहण किया। वे टाटा स्टील के CEO TV नरेंद्रन की जगह लेंगे और नवगठित भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने एक बैठक में वर्ष 2022-23 के लिए अपने नए पदाधिकारियों का चुनाव किया है। भारतीय उद्योग परिसंघ की स्थापना की गई थी 1895 में और भारतीय उद्योग परिसंघ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके महानिदेशक है चंद्रजीत बनर्जी। भारतीय उद्योग परिसंघ का आदर्श वाक्य है चार्टिंग चेंज इनेबलिंग डेवलपमेंट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए भारत ने UN में कितने लाख अमरीकी डॉलर का योगदान किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 8 लाख अमरीकी डॉलर का योगदान दिया है। भारत ने हिंदी भाषा के संगठन हिंदी में संगठन सार्वजनिक पहुंच बढ़ाने के लिए पहल के तहत संयुक्त राष्ट्र को 8 लाख अमरीकी डॉलर का योगदान दिया और संयुक्त राष्ट्र में देश के उप स्थायी प्रतिनिधि RR रविंद्रन ने दुनिया भर में हिंदी भाषी आबादी के लिए संयुक्त राष्ट्र के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए 2018 में भारत द्वारा शुरू की गई संयुक्त राष्ट्र परियोजना के लिए एक चेक सौंपा था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरसोलर यूरोप 2022 कार्यक्रम में कौन भाग लेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भगवंत खुबाश जी भाग लेंगे। नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा और रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री श्री भगवंत खुबा इंटरसोलर यूरोप 2022 के लिए म्यूनिक जर्मनी पहुंचे हैं और म्यूनिक में भारतीय केंद्रीय मंत्री निवेश प्रचार
कार्यक्रम भारत के तहत सौर ऊर्जा बाजार में एक मुख्य वार्ता करेंगे और इंडो जर्मन एनर्जी फोरम इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर रमाकांत शुक्ला जी का निधन हुआ, वह कौन थे? वह एक विद्वान थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। यही है डॉक्टर रमाकांत जी, प्रख्यात हिंदी और संस्कृत के विद्वान जिनका भी हाल ही में निधन, और इन्हें पद्मश्री धारक यानी कि पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है रमाकांत शुक्ला जी, जो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में इनका भी निधन हुआ और उनका जन्म यूपी के बुलंदशहर जिले खुर्जा शहर में हुआ था, और रमाकांत शुक्ला दिल्ली में देववाणी परिषद के संस्थापक और महासचिव थे और संस्कृत में एक त्रैमासिक पत्रिका अर्वाचीनम संस्कृतम के संस्थापक अध्यक्ष और संपादक थे और साहित्य और संस्कृत संगठनों द्वारा उन्हें संस्कृत राष्ट्रकवि, कविरत्न और कवि शिरोमणि की उपाधियों से भी सम्मानित किया गया था, और उन्होंने संस्कृत ग्रंथों और इंडोलॉजी का भी अध्ययन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड क्लिनिकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन को जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।